का भोजन कराओ या नौमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ। पर देवी भागवत तो कहती है, देवी भागवत तो वर्णन करती है कि पहले नवरात्रे से लेकर, पहले नवरात्रे से लेकर नौमी तिथि तक जितने दिन देवी के होते हैं, प्रत्येक दिन में आप किसी भी दिन कन्याओं का भोजन करा सकते हो, पहली रात्रि से लेकर, पहला दिन से लेकर। नवरात्रि मालूम है कब से लगती है? आप लोगों को याद होगा ना, नवरात्रि कब से लगती है? अमावस्या से की है कम से? अरे जितने लोग सुन रहे हो जरा बोलो तो भाव से, अमावस्या से लगती है कि एकम से लगती है? तो सब लोग कहेंगे महाराज जी पड़वा से लगती है कम से। पर देवी भागवत कहती है अगर एकम से लगी तो नवरात्रि पूर्ण कैसे हुई? एकम का दिन लगी तो एकम के दिन की रात्रि, फिर दूज के दिन की रात्रि, तीज के दिन की रात्रि, चतुर्थ दिन की रात्रि, पंचम दिन की रात्रि, छठे दिन की, सातवें दिन की, आठवें दिन की, नवे दिन की रात्रि। पर नवे दिन तो सुबेरे पूजन करके, यज्ञ करके, अनुष्ठान करके देवी को विसर्जन कर दिया, फिर नौ रात्रि पूर्ण कैसे? नवरात्रि की पूर्णता होती है अमावस्या की रात से गिनी जाती है। कौन से दिन से गिनते हैं? अमावस्या की रात्रि, फिर एकम की रात्रि, फिर दूज की रात्रि, ऐसे गिनते गिनते अष्टमी की रात्रि तक और नौमी के दिन सुबह तक या दोपहर तक या शाम तक, जब तक आप यज्ञ ना करें तब तक ये नौ रात्रियां पूर्ण गिनी जाती है महाराज देवी भागवत के हिसाब से। पूर्णता में, पूर्णता में गिनी। अब हमने कन्या भोजन का जो क्रम बनाया, अष्टमी के दिन करा देंगे, नौमी के दिन करा देंगे, इस तिथि को करा देंगे, पर भाव देखिए, शास्त्र कहता है भूखे को भोजन जब कराइए जब उसको भूख लगी हो, और ऐसो को कराइए जिसको जरूरत पड़ रही है। श्री शिवाय नमस्तु भयम भक्तो। तो आज के इस वीडियो में आप सभी ने सुना कि पंडित जी ने कैसे बताया कि नवरात्रि कब से स्टार्ट होती है और नवरात्रि में कन्या भोज जो कन्या पूजन होता है वो किस दिन करना चाहिए। तो ये सभी जानकारी आज हमने इस वीडियो में देखी। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे इस छोटे से चैनल को अपना सपोर्ट दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।